नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी सिंह है। मुझे यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मुझे अब्डोमिनल में नीचे बहुत पेन होता था, पेट में भी दर्द रहता था। मुझे पीरियड्स आते थे तो 6-7 दिन का होता था। ब्लीडिंग भी बहुत हैवी आती थी और चक्कर बहुत आते थे। फिर मैं बहुत प्रॉब्लम से फेस करा है मैंने 10 साल तक। उसके बाद मुझे यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल का किसी ने नाम सजेस्ट करा, डॉक्टर है दिव्या मैम का, दिव्या सेहरा मैम का नाम सजेस्ट करा किसी ने। फिर मैं दिखाने आई यहाँ पे, मैम ने सारे टेस्ट करे, फिर उन्होंने बोला भी कि आप टेंशन ना लो, आप सही से रहोगे, आपका ये रोबोटिक ऑपरेशन का भी बताया, रोबोटिक सर्जरी से उससे कुछ नहीं होता। मुझे तो लेजर का था कि चलो लेजर तक करवाएंगे, लेकिन रोबोटिक सर्जरी मैम ने ही बताया दिव्या मैम ने। तो हमने फिर वही कराया और मुझे बिल्कुल कुछ ना प्रॉब्लम हुई है, ना कहीं कुछ ऐसा ब्लीडिंग लग भी नहीं रहा कि मुझे ऐसा। मेरे दोस्तें भी आती हैं घर में तो वो भी कहती हैं आपको तो लगता ही नहीं है। मैं सारा उठना बैठना सब करती हूँ, सब चीज़ खाती भी हूँ, और ऐसा नहीं मैं चक्कर भी खूब लगाती हूँ, ऐसा कुछ होता अपने आप बॉटल उठा के पानी भी पीती हूँ, कुछ है ही नहीं, ऐसा है नहीं। बस थोड़ा बहुत है कि झुकने में ये है, मैम ने मना करा, और तो सारी चीज़ मेरे लिए बहुत थैंक यू मैम का मैं करना चाहती हूँ। और मुझे किसी ने सजेस्ट भी करा मैम का नाम, तो मैं उनकी वजह से आई। मुझे मणिपाल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, नर्सेज भी सब अच्छी थी, सब डॉक्टर मैम बहुत अच्छी हैं, दिव्या मैम। तो उन्होंने मुझे जैसा बोला था कि आप टेंशन ना लो, सारा चीज़ बहुत अच्छे से हुआ, वैसे ही वो मुझे पहले दिन से ही मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे तो लगता था, मेरी दोस्तें देखने आती थी हॉस्पिटल में तब भी बोलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब कह रही पता ही नहीं चलता है अभी। मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा किसी के साथ है तो रोबोटिक सर्जरी ही करवाएं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, मैं हर चीज़ खाती भी हूँ, बच्चों के साथ बातें भी खूब करती हूँ, गेम भी खेल लेती हूँ रात में, तो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिव्या मैम का थैंक यू करती हूँ इसलिए, इन्होंने मुझे ये चीज़ का जो बोला था और बहुत ध्यान से करा भी। दिव्या मैम बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत ध्यान से करा, जैसे लगा ही नहीं कि कोई घर ऐसा है, घर जैसा ही फील हुआ मुझे उनके साथ। थैंक यू। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट मम्मी की सर्जरी से पहले हमने काफ़ी डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लिया था, बट दिव्या मैम ने जो एम्पैथी शो करी, जो अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट से जो बात करती हैं, दैट इज समथिंग जो बहुत रेयर है आज के टाइम पे। एंड जो उनका सपोर्ट स्टाफ भी था साथ में सर्जरी वाले दिन, दे वर वेरी प्रोफेशनल। एंड मैं इसलिए रिकमेंड करना चाहूँगा डॉक्टर दिव्या सेहरा को, दैट यू शुड एटलीस्ट मीट वंस अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, यू नो, किसी भी चीज़ में। एंड दैट्स इट। तो विजय लक्ष्मी जी का टोटल हॉस्पिटल में जो स्टे रहा वो 2 दिन का रहा। सर्जरी की रात को ही इन्होंने पानी, नारियल पानी लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे से खिचड़ी दलिया सॉफ्ट डाइट ले सकते थे और चलना शुरू कर दिया। देन शी कुड इवन गो टू द बाथरूम हरसेल्फ, अपना करवट ले सकते हैं, अपने पाँव को हिला सकते हैं, उठ के बैठ के सबसे बात कर सकते हैं, और उसके दिन डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद ये अपने घर के सारे काम काज, जो छोटे मोटे काम है वो कर सकते हैं। सिर्फ भारी वजन जैसे बाल्टी, हैवी कपड़ों के नहीं उठाना है, बाकी अपना सारा घर का काम कर सकते हैं। पीपल हु वांट टू जॉइन वर्क कैन आल्सो जॉइन वर्क वेरी क्विकली। अब इनके स्टेपलर्स जो हैं, जो छोटे स्टेपलर्स आते हैं, वो कट गए हैं, एंड शी इज इंजॉइंग हर लाइफ एंड क्वाइट हैप्पी विद द सर्जरी।